ये व्यक्ति कौन है? वही तुम्हारे जीजा जी। बॉलीवुड के पर्दे पर दो दोस्तों की कहानी ऐसी जिसकी मिसाल आज भी लोग निजी जिंदगी में देते हैं। आज से 60 साल पहले बॉलीवुड के पर्दे पर पहली बार दोस्ती का ऐसा चित्रण हुआ कि भारतीय सिनेमा में उसे दोहरा पाना आज तक संभव ही नहीं हो पाया। तुझे देखने को तो आंखें तरस गए। आज हम उस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे भयानक राजों से आपको रूबरू कराएंगे जिससे आज तक कभी पर्दा उठा ही नहीं। उस समय दिलीप कुमार देवानंद जैसे सुपरस्टार के सामने ये दो नए लड़के अपनी फिल्म लेकर आए और उनकी फिल्म ने 6-6 अवार्ड जीते। भारतीय सिनेमा के लिए ये फिल्म मिसाल बन गई। मटन करी, मटन मसाला, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला, साहब क्या मांगता है? और आपको जानकर हैरानी तो तब होगी जब इन दो लड़कों ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने के बाद भी इन दोनों नायकों को दोबारा काम क्यों नहीं मिला? क्या कमी ने धोखा किया तुमने, दगा किया दोस्ती के साथ? शायद आपने भी सुना होगा और मीडिया में आई खबरों के अनुसार इन दोनों नौजवानों को इनकी सफलता से ईर्ष्या करके उस जमाने के बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने साजिश रचकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों लगभग 60 सालों के बाद भी ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई, तो आइए फिल्म से जुड़ी आश्चर्यजनक बातों का आज हम जिक्र करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड ने हम सभी को अपने शुरुआती दिनों से अब तक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। 60 के दशक को बॉलीवुड का बेहतरीन समय गिना जाता है। इस समय कई बढ़िया फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। जिन्होंने दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ी, इन्हीं में से एक फिल्म थी दोस्ती। ये फिल्म कितनी बेहतरीन है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला। तू यहाँ क्या कर रहा है? सवाल कर रहा था। सवाल? तू रात भर सवाल करता रहा? इसके अलावा फिल्म को 1965 में फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जैसे अवार्ड्स मिले। फिल्म में 6 गाने थे जिनमें से 5 मोहम्मद रफी और 1 लता मंगेशकर ने गाया था, जो कि बहुत पॉपुलर है। इस फिल्म के बाद दोनों ही कलाकारों के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उससे पहले उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। यहाँ हम आपको उन दोनों की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है जी। फिल्म में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हुआ और वो परिवार समेत गुजरात आ गई। आज वो सब बातें की, तुम अपना रिजल्ट सुनाओ, मैं लटक गया। बचपन में वो काफी रईस थे पर उनका परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला तो वे लोग मुंबई आ गए। मुंबई में उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गई। इस सदमे में पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई और सुशील कुमार की माँ उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी जो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहती थी वहाँ ले गई। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी माँ ने उन्हें फिल्मों में काम करने भेज दिया। शुरू शुरू में उन्होंने 1-2 सिंधी फिल्मों में काम किया। कई फिल्मों में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उन्होंने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी और फूल बने अंगारों में काम किया था। अच्छा माँ, तुमने भगवान से क्या कहा? कहती क्या? फिर उन्हें मिली फिल्म दोस्ती जिसमें उनकी सफलता ने आसमान की बुलंदियां छू ली। इस फिल्म के बाद प्रोड्यूसर इन दोनों ही एक्टर को अपनी एक और फिल्म में लेना चाहते थे लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की फिल्म बतौर लीड ज्वाइन कर ली थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म करने के लिए मना कर दिया और प्रोड्यूसर्स ने सुशील कुमार को फिल्म के लिए मना कर दिया क्योंकि वो दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे। इसके बाद सुशील कुमार ने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की। चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए तो एक खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि दोनों ही स्टार्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके पीछे नाम लगाया गया मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का, जबकि आपको बता दें कि ये एक महज अफवाह थी। एक इंसान। अब बात करते हैं फिल्म में नेत्रहीन लड़के का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार की। सुधीर साल 1947 को मुंबई में पैदा हुए थे। वो महाराष्ट्र परिवार के थे। वैसे उनका पूरा नाम सुधीर कुमार सावंत था लेकिन बॉलीवुड वाले उनको बस सुधीर कुमार नाम से पुकारा करते थे।
घर में माता पिता समेत दो बहनें थीं, एक बड़ी बहन शोभा तो दूसरी छोटी बहन चित्रा। पूरा परिवार लालबाग इलाके में रहा करता था। शुरू से ही सुधीर ने बड़ा कष्ट झेला। कम उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। वो इलाके के आर्यभत्तम स्कूल में पढ़ा करते थे। यहीं से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की और आप सोच रहे होंगे कि वो आखिरकार फिल्म में कैसे पहुंच गई। असल में उनको फिल्मी दुनिया में लाने वाले उनके मामा थे। आप पुरानी अभिनेत्री राजश्री को जरूर जानते होंगे। उनके पिता भी बड़े अभिनेता और फिल्म मेकर हुआ करते थे। नाम था रिशांता राम। उस जमाने में उनकी राजकमल कला मंदिर नाम से बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इसी कंपनी में सुधीर के मामा मुख्य मेकअप मैन हुआ करते थे। उनकी फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छी पकड़ थी। एक बार उनको पता लगा कि सुधीर की अभिनय में रुचि है तो उन्होंने अपनी जान पहचान से भांजे को फिल्म लाइन में लाने की कोशिश शुरू कर दी। ६२ के आसपास की बात है। एक फिल्म बन रही थी संत ज्ञानेश्वर। सुधीर के मेकअप मैन मामा ने अपनी पहुंच से उनको भी फिल्म में एक अच्छा किरदार दिलवा दिया। फिल्म 1964 में आई मगर इस फिल्म से उनके करियर को खासा फायदा नहीं हुआ। मगर इसके बाद जो फिल्म की इसने अभिनेता को एक झटके में स्टार बना दिया। हुआ ये कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद प्रजातियां 1969 में आई एक बंगाली फिल्म लालू भोले की कहानी से अच्छे खासे प्रभावित थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने प्रोडक्शन के बैनर तले इसको हिंदी में बनाएंगे। 1963 के आसपास की बात होगी। तारा इंद्रजीत 17-18 साल के दो युवकों की तलाश में थे जिनको ये किरदार दिया जा सके और ऑडिशन चल रहे थे। सुधीर कुमार के मामा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सुधीर को बताया और वो पहुंच गए ऑडिशन देने। दुख हो या सुख। कैमरा टेस्ट दिया और एक बार में ही ताराचंद जी को पसंद भी आ गए। फौरन ही उनको फिल्म में नेत्रहीन युवक का सबसे मुख्य किरदार मिल गया। उनके बाद सुशील कुमार का चयन अपंग युवक के रूप में हुआ था। खैर, शूटिंग पूरी हुई और 1964 में फिल्म रिलीज हो गई दोस्ती। फिल्म की कहानी से लेकर संगीत सब कुछ छा गया। बड़े बड़े स्टार्स के बीच में दोनों लड़के भी स्टार बनकर उभरे। खासकर सुधीर कुमार सावंत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उनकी खूब पूछ होने लगी। फिल्म मेकर उनको अपनी अपनी फिल्म ऑफर करने लगे मगर उन्हें सबको मना करना पड़ा। लेकिन फिर एक बेवकूफी ने उनका पूरा करियर तबाह कर डाला। हुआ ये कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद प्रजातिया ने सुधीर कुमार को ₹300 हर महीने के वेतन के रूप में रखा था, जो उन दिनों के हिसाब से बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया गया था। इस समझौते के तहत 3 साल तक सुधीर कुमार किसी दूसरी फिल्म मेकर के साथ काम नहीं कर सकते थे, वरना उनको भारी हर्जाना भरना होता। लेकिन सुधीर कुमार से यही एक गलती हो गई और वो धीरे धीरे गुमनाम हो गए। हुआ ये था, दोस्ती की अपार सफलता के बाद राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मालिक सुधीर और सुशील की जोड़ी के साथ एक और बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। कहानी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच सुधीर कुमार को एक बड़ा ऑफर आ गया। ये ऑफर मद्रास के उस दौर की नामी इनामी कंपनी ABM की ओर से आया था। कंपनी ने उनको मोटी रकम के साथ फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म में मनमोहन, कृष्ण और न्यूरो पर आए जैसे दिग्गज एक्टर थे। एक तो मोटी रकम, दूसरा महत्वपूर्ण किरदार और तीसरा बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका। इन 3 वजहों ने सुधीर को एक गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुधीर कुमार ऑफर मिलते ही राष्ट्रीय प्रोडक्शन वालों के पास पहुंच गए और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने हर्जाने की शर्त बताई तो उन्होंने पूरा हर्जाना भी भर दिया और समझौता तोड़कर ABM कंपनी के साथ चल दिए। इधर सुधीर के फैसले ने ताराचंद्र जी को बड़ा झटका दे दिया। उनकी अगली फिल्म की योजना ठप हो गई, जिस वजह से वो नाराज हो गए। बस राष्ट्रीय प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उनसे पंगा लेना सुधीर पर भारी पड़ गया। दोस्ती से स्टार बना ये एक्टर बॉलीवुड में काम के लिए तरसने लगा। बाद में वो इक्का दुक्का मराठी फिल्मों में जैसे जानकी, अन्नपूर्णा, सुदर्शन फिल्मों में नजर आई और इसके बाद गुमनाम हो गए। मगर दोस्तों, उनकी मौत की कहानी और भी दर्दनाक है। छुपा हुआ आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। 60 के दशक में उनकी शादी हो चुकी थी और दोनों की एक बेटी भी थी। भले ही फिल्मी करियर बर्बाद हो चुका था लेकिन जिंदगी फिर भी ठीक ठाक चल रही थी। मगर 90 के दशक में उनके जीवन में एक भयानक घटना हो गई। 1993 की बात है। सुधीर कुमार को चिकन खाना बहुत पसंद था। उनकी माँ ने उस दिन चिकन बनाया था। सुधीर खाना खा रहे थे कि अचानक मुर्गे की एक नुकीली हड्डी उनके गले में जाकर अटक गई। हड्डी गले के मांस में इतनी बुरी तरह से धस गई कि उसे निकालने की जद्दोजहद में सुधीर के गले में गहरा जख्म हो गया। बदकिस्मती देखिए, उस समय मुंबई दंगों की आग में झुलस रहा था और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस वजह से उनका समय पर इलाज नहीं हो पाया। यही जख्म धीरे धीरे बढ़ता चला गया और कुछ ही समय में घाव सड़ने लग गया और हालात ये हो गई कि उन्हें खाने पीने में भी तकलीफ होने लगी।
शहर शांत हुआ और हालत ज्यादा बिगड़ी तो घर वाले उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वहां जांच हुई तो पता चला कि घाव सड़कर गले के खतरनाक कैंसर में बदल गया था। फिर उनको टाटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गले में कैंसर की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। कई महीनों तक इस अभिनेता को ऐसे ही जिंदा रखा गया, मगर इलाज का भी कोई फायदा नहीं हुआ और कैंसर फैलता चला गया। बस साल 1994 में कैंसर से तड़पते हुए सुधीर कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी छोटी बहन चित्रा अपनी माँ और उनकी बेटी को लेकर अपने साथ पुणे चली गई, जहाँ उनकी शादी हुई थी। बदकिस्मती से अभिनेता को एक मुर्गे की हड्डी ने कैंसर दिया और 47 साल में उन्हें मौत दे दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे फिल्म में आपको इन दोनों दोस्तों का अभिनय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।